प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जम्मू कश्मीर को लेकर बस कुछ ही देर में बैठक होने वाली है। इसमें विभिन्न 8 राजनीतिक दलों के 14 नेता शामिल होंगे। इस बीच जम्मू कश्मीर और LOC पर 48 घंटे का अलर्ट जारी किया गया है। PM मोदी के मिशन कश्मीर पर सबकी नजर टिकी हुई है। माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद कुछ अहम फैसले सामने आ सकते हैं, लेकिन जब से इस मीटिंग की बात सामने आई है तब से जम्मू में इसका विरोध भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि बहुत से पूर्व राजनेताओं को इस वार्ता के लिए न्योता ही नहीं गया और फिर उनकी पार्टी के कार्यकर्ता इस मीटिंग का विरोध कर रहे हैं और साथ ही जम्मू को अलग राज्य बना देने की मांग भी की जा रही है। सबका यही कहना है कि जम्मू की बात कौन करेगा और जो खुद सत्ता में है उनसे क्या उम्मीद करनी। वही बैठक से पहले कश्मीरी पंडितों ने भी इसके खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया है। उनका आरोप है कि 3 दशकों में किसी भी राजनीतिक दल ने उनकी सुध नहीं ली। अब सवाल यह आता है कि ये मीटिंग राजनेताओं के लिए है या जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए, क्योंकि आवाम तो सभी राजनेताओं से नाखुश है। अब बात आती है मीटिंग में शामिल होने वाले जम्मू कश्मीर के 14 राजनेताओं की, जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, कांग्रेस के गुलाम नबी आज़ाद, गुलाम अहमद मीर, तारा चंद, PDP की महबूबा मुफ्ती, भाजपा के निर्मल सिंह, कविंदर गुप्ता और रविंदर रैना, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के मुजफ्फर बेग और सज्जाद लोन, पैंथर्स पार्टी के भीम सिंह, CPIM के मोहम्मद यूसुफ तारीगामी और JK अपनी पार्टी के अल्ताफ बुखारी। इन सभी नेताओं की बात की जाए तो राजनीतिक परिदृश्य में जम्मू कश्मीर को लेकर, यहाँ की आवाम को लेकर सबका अपना अलग अलग एजेंडा रहा है। हमेशा एक पार्टी की आइडियोलॉजी दूसरी पार्टी से अलग ही रही, लेकिन जब सरकार बनाने की बारी आई तो गठबंधन भी हुआ, जो आप भली भांति जानते हैं। अब उस गठबंधन से किसको क्या मिला, किसका क्या फायदा हुआ और आम जनता के हिस्से में क्या आया, ये जग जाहिर है। अब बारी आती है कि आज होने वाली इस मीटिंग से क्या आम जनता को कुछ मिलेगा, क्या आने वाले दिनों में आम जनता, जिसकी सुनवाई कभी नहीं होती, जो वोट देने से पहले भी पिस रही होती है और वोट देने के बाद भी उसके हिस्से कुछ नहीं आता, क्या आने वाले समय में उसके हिस्से कुछ आएगा? क्योंकि नेता तो वही हैं जो पहले भी थे, जो सरकार में भी रहे और विपक्षी दल में भी। नेताओं ने तो अपने लिए दल भी बदले और नई पार्टियां भी बनाई, लेकिन आम जनता तो वही की वही रही। इसलिए आम जनता से ही पूछते हैं कि इन सभी नेताओं को आप ही चुनते हैं और आप ही सत्ता में बिठाते हैं और फिर आपके ही काम नहीं हो पाते, तो फिर आज आप किस नेता से उम्मीद रखते हैं कि ये हमारी बात करेगा और आने वाले समय में जम्मू कश्मीर सही राह पर होगा? और अगर आप किसी पर भी विश्वास नहीं करते तो फिर ये भी तय कर लीजिए कि आने वाले समय में अगर आप सच में बदलाव चाहते हैं तो अभी से उसकी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि आप ही का बहुमूल्य वोट इन्हें उस कुर्सी तक पहुंचाता है जिसके बाद आप इन्हें दिखते ही नहीं। ये बात भी आपके लिए याद रखना बहुत जरूरी है। अब देखते हैं कि इस वार्ता से क्या कुछ निकल कर सामने आता है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।